एशियन गेम रे अनेक सफलता पाई भारत आम सहित रुद्राक्ष अच्छा जिकि गोल्ड मेडल पाई 10 मीटर राइफल्स रे सीधा कथा हवा कंग्रेचुलेशन फॉर योर विक्ट्री। क्या बोलना चाहेंगे, कितने बड़ी डिफिकल्ट था और आगे ये जीत आपके लिए कितना बड़ा रिजल्ट लेके आए? दिस मैच वॉज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड रियली बिकॉज इट्स एन गेम्स but all are because we are always aware that this are some important games, so all of our associations and our coaches came together and we had planned to have to make us peak during those competitions. We had prepared in such a way so that by the time the competition comes we are in all in good shape, so I think so that things worked and because of that we were able to win gold. मैच से जाने से पहले कितना कैसे प्रिपेयर हुए थे इंडिया से लेकर चाइना तक? तो प्रिपरेशन वॉज फुल ऑन टॉप नॉच। हम लोगों को एग्जैक्टली पता था कि वहाँ पे क्या है, हमारे पास मैप का सब सिस्टम था, वहाँ पे हम लोग भटके नहीं किधर भी, एग्जैक्टली सब खाना के सिस्टम से लेके ट्रेनिंग कैसे होने वाली कब होने वाली सब कुछ हमें अच्छे से पता था, इसके कारण हम लोग बहुत ज्यादा मेंटली प्रिपेयर थे कि वहाँ पे क्या क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कितनी बड़ी चीज है जो आप बताए मेंटली की बात, क्योंकि अनुराग ठाकुर जैसे बोले थे कि किसी को खाने की दिक्कत होता है, किसी को एटमोस्फेयर की दिक्कत होता है, किसी को वेदर कंडीशन की दिक्कत होता है, ये कितनी बड़ी बात है कि मेंटली कंडीशन स्टेबल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि बहुत बार हम लोग वहाँ पे जाके, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं तो हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें थोड़े फाजी से पता नहीं होते तो वो ढूंढने में हम लोगों को ज्यादा समय लग जाता है और मुश्किल ही बढ़ जाती है। आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, कैसे प्रिपेयर करेंगे फिर नेक्स्ट लेवल तक ओलंपिक? अभी हमारा एशियन चैंपियनशिप है नेक्स्ट मंथ, तो मेरा वही मैच का फोकस है और हमारा अगले साल ओलंपिक्स है, तो हमारे हिसाब से जैसे हमने एशियन गेम्स की तैयारी की इसी तरह हम लोग ओलंपिक्स की तैयारी करेंगे, बस जो हमारी छोटी छोटी गलतियां हुई वो हम लोग सुधार के आगे बढ़ेंगे। खेल की बात की जाए, कब से आपका मन में आया था कि मेरे को इसी लाइन में जाना है और कैसे प्रिपेयर हुआ था शुरुआत कैसे? मैंने 2017 में शूटिंग प्रोफेशनली स्टार्ट की थी, उससे पहले मैं बस स्कूल लेवल पे खेलता था, तो 2017 में जैसे जैसे खेलते गए तो 2019 में मुझे पहले 6 इंटरनेशनल मेडल्स आए, 2021 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर आया था, उसके बाद थोड़ा और फोकस बढ़ने लगा और जैसे ही 12th में था तब मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया था इस गेम में, तो और ज्यादा हम लोगों को कंफर्म हो गया कि ये गेम ही हमें कंटिन्यू रखना है। है इस लाइन में आना चाहते हैं वो स्टूडेंट के लिए, वो बच्चे के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि दोनों चीजों पे फोकस कीजिए, स्टडीज पे और स्पोर्ट्स पे। मैंने पर्सनली 10th स्टैंडर्ड तक स्टडीज और स्पोर्ट्स मैनेज किया था और बाद में उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हमें आगे क्या पढ़ना है, तो दोनों के लिए सही टाइम पे प्रैक्टिस कीजिए, कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा उसमें। मेडल शो करेंगे रुद्रांग सिंह हाथ में मेडल टी रही जे कि गोल्ड मेडल जीतने 10 मीटर राइफल्स रे और निश्चित भाव एशियन गेम चैंपियनशिप और ओलंपिक पाई नेक्स्ट टारगेट रही। कैमरा पर्सन आदित्य सहित गगन अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।